सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के किस अजकिस नशस्तस मज तुहि सारे वन हूँ इस्तकबाल खैर मकदम वसि वंज टीम गुड मॉर्निंग जे एंड के तरफ रिज रिश तो रहमच वमीद तो बारगाह रबुल आलमीन मूस सान दिलन हंद राज जानान कि सी सारी गम हम गशन दूर आमीन या रबुल आलमीन। नाजीन बकौल महजूर, बागे निशात के गुलो नाज करान करान वलो, बागे निशात के गुलो नाज करान करान वलो, खंद करान करान वलो, मुख्त हरान हरान वलो। नाजीन इस आज नाज करान करान तो यम मेहमान अम हरन मुख्त इनशा रहमान तुहंदिस खदमत मज आज तेजबान बनियाज बट तो मे सतहाई महजब सी बि अरीबाल। कैसे आप? कैसे हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि हमें देखने वाले भी बिल्कुल खैर वाफियत से हैं और आप भी खैर वाफियत से। काफी समय बाद आज फिर आपसे मुलाकात हुई। हाँ, तो नियाज भाई, आज जो है शाबानुल मौज़म के इस महीने की 29 तारीख है और हम रमजान मुबारक की तरह इतने करीब आ चुके हैं अब, और मुमकिन है आज हमें चांद का दीदार करने को भी मिले और कल या परसों हमारे रोजों शुरू होंगे। और आपकी क्या तैयारी है रोजों की? वो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आज शो कुंत्रहिम शाबानुल मौज़म तो मुमकिन चुके आज शाम इस चंदर बोल रहमत तो बरकत सु चंदर यस तो वन खर सारी फर्जंदान तौहीद तम बड़े तशन आसान आज अगर शाम बोजना आव तो गो इनशा पगह रोजदारी तैयारी हिंज तुम कत आसो तो सो ज्यादा आसान सान माजन तो बेन हिंज क्या तम ज्यादा तशन अम आसान तम सहर रन ना तम तमि आई तैयारी कर मगर शुक्र तस जात पाकस कुन शुक्र तस रबुल आलमीन कुन कि बेई वो इनशा रहमान ये चंदर तो अत चंदरस वित करो दुआ यह इस्तदा कर रिवायतन मन आमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन कि ये चंदर वु तो तेमिस पजि तम वि दुआ कर गर सात हसन आसान अम वो इस्तदा सोन नाजरीन कि तुम करो अस ख दुआ कतिया खुश किस्मत अरीबा शुक्र तस जात पाकस कुन यम नूह सज नाव बठिस लाज तो शुक्र तस जात पाकस कुन यम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाह मज खलित शाह मिस्र बनोवन तो शुक्र तस जात पाकस कुन यम हजरत मूसा तूरस खसित कलीमुल्लाह बनो तो तस जात पाकस कुन शुक्र यम ईसा रूहुल्लाह बनो तो शुक्र तस जात पाकस कुन यम सु शाह मोहतशम पत शाह मुरसलीन बनोन तो अस बनाइन तम से शाह मुरसलीन सिंह उम्मती बिल्कुल तो पत यह शुक्र कि अस गो वे नसीबस इनशा रहमान नसीबस यह माह रमजान क्या लूक आरीबा तम यमो पतम माह रमजान दोरमुत मगर वनकस वनो तम खुद मगफिरत दुआ क्या अस मेल ब्या मौका एहतसाब अस मेल ब्या मौक कि करो पेश पन गुनाह करो पेश दफ्तर अमल तम सजूरस मज तो वनोस कि या असम गुनाह पत ग तम गाफ क्या खास कत अरीबा कि इंसान दोन चीजन मंजबाग हमेशा बैलेंस यहां करुन तवाजुन रसान आ गो कि अमी कह नफसियती तकाज जिबलियती तकाज आम इंसानस मज तो बे सड़स रूहानी तकाज यूजली क्या गान नाजरीन कि पनस अत मदी सट सटस मजम जिबलियती तकाज नफसिक तकाज जिनसिक तकाज पे हवी गफसी तकाज रूहानी तकाज अल्लाह ताला कुन तो फितरस कुन असली जोड़ान तमो नश जरा पत दूर गर इस माह रमजान रेत इन जिबलियती तकाजन पे बिहित ज्यादा रूहानी तकाज हुरर करा। बिल्कुल सही, और ये आपने बहुत खूबसूरती से इतने खूबसूरती से बयान किया और इस महीने में हम बिल्कुल वही करते हैं जिस चीज के लिए हम पैदा किए गए बेशक असली फितरत वही करते असली फितरत और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्या कि अम अंदर ना ये घंट त्रे घंट खेन त्रोम तम अंदर जबरदस्त जोश मिलान कि बह चमह त्रेश मगर अस क्या ख्याल कि अल्लाह ताला हालांकि वचनस खुद बे दुनिया मज कह मगर यह एहसास पूर जिंदगी मज थाउन कि यम पनस कारस नो यम पनस बारस नो यम दुनिया का मामल करो यम हमसायस सिश्तदार दोस्त सहबाब सामल करो या वत पकुन का मामल करो तम पूर जिंदगी मज यह ख्याल रोजन कि अल्लाह ताला। और जिस तरीके से आपने इतने खूबसूरत तरीके से बताया ये रोजे का ये जो एक महीना होता है पूरे साल 12 महीने में से ये एक महीना हमें एक
एक नई शुरुआत, एक स्पिरिचुअल रिनीवल का एक शुरुआत रिनीवल रहता है, एग्जैक्टली रिनीवल जिसको नवरत कहते हैं, ताजगी इथ चुना सोंत सचन नवर एग्जैक्ट, ताजगी बिल्कुल बिल्कुल मनतो बिल्कुल माह रमजान चु ईमान सोंत बिल्कुल ईमान बहार बिल्कुल इथ कन तुम वनु कि कॉन्शियस पूरे टाइम कि अल्लाह ताला चु वुछान, बिल्कुल हालांकि सु चु बहवनी रहतन अस वुछान आसान, मगर एम वीज छ अस कॉन्शियस ज्यादा क्या अस छ कॉन्शियस पाइस छ तत इबादत की स्टेज मज आसान, कंटिन्यूअसली छ अस आसान वर्शिप करान, मगर ये छ अक ये मौक आसान अल्लाह ताला दितमुत कि तुई करियो पानो पान पानो ये रूह वापस पाकीज, पाकिज ये एक मौका मिलता है हमें दोबारा से कि आप पाकीजा करो। हाँ बिल्कुल, और चीजों यही तो है, इसीलिए अल्लाह के इसीलिए कहा गया है और कुरान में लिखा गया है इज द मोस्ट मर्सीफुल, और वो मर्सी वो इस महीने में सबसे इंशाल्लाह ज्यादा दिखाते इंशाल्लाह हैं। क्याकि खास मौक चूंकि इथ कैसे फरमान अरीबा कि हर दोह तुत हर चुह एक्चुअली अल्लाह ताला सिंदिस तथ सायस तल गुजारुन बिल्कुल इथ कैस माह रमजान गुजारुन मगर कह चीज खास आसान यम वि खास रहमत तो खास बरकत आसान तो ये रेत चु तिमन खास रहमतन तो बिल्कुल खास बरकतन हूं वन गुजारिश चूंकि यम अहल इकतदार तिमन यह गुजारिश कि सहर वक्तन तो खास कर सहर वक्तन तो इफ्तार वक्तन गस रोजन बिजली हं दस्तियाबी बिल्कुल क्या अत दौरान पत् तकलीफ ग चूंकि फेरुन थोरुन आसान मस्जिदन नेरुन आसान या सिन वगैरह उस खन खुर्दनी हूं सामान सह गरम आसान करुन तमि बिल्कुल खातर यह इस्तदा ब्याख इस्तदा सानि तरफ टीम तरफ यह कि अशियाई खुर्दनी हूं या उमूर सारफिन महकम तिमन यह गुजारिश कि खास अख टीम गोन तैयार कर इन चीजन नजर थे चूंकि कह मी दोखदारी क्या ज्यादा इस्तेमाल कर खपत ज्यादा चीजन हूं गा बिल्कुल तम यम जुजारिश सानि तरफ इन अहल इकतदार खर यम कथ यम सुबह सुबह तह सिस खदमत मज पेश कर तुम्हें मालूम कि तुंद दिल रंजन खातर सुबह अख डल पेश कर आज तरन पेश डल सशहूर तो मरूफ सिंगर एजाज साहिर सब वुछान रूज प्रोग्राम गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जैन के।
वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल एक डायनामिक प्रोग्राम है। हमारी कोशिश रहती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है इस प्रोग्राम में डालें और आप तक पहुंचाएं। और यकीनन आज भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, और उनसे हमारी खुशकिस्मती है कि वो स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। और अभी वक्त हो चला है एक वक्फे का, वक्फा लेंगे और वक्फे के उस पार करेंगे हमारे मेहमान से मुलाकात और बातचीत। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी। सेफ है, फास्ट है हर पेमेंट, उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकने रहिए। नाजीन आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के, और वक्त हुआ चलता है कि मेहमान से मुलाकात करें। मेहमान से मुलाकात कराने से पहले मेरे जहन में एक शेर दौड़ रहा है कि कहते हैं अलामा इकबाल कि हिमालय के चश्मे उबलते हैं कब तक, हिमालय के चश्मे उबलते हैं कब तक, खिजर सोचता है वो लड़के किनारे। ये शेर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है यमो सोन ये स्टूडियो मुजयन कोर्मुच, तमो तुश वलर किसी बठिस पेट सूच सूच अख नावल निगार बनेमित, असलन तिम मुदरिस मगर मुदरसी सत सत नावल निगार, अफसाना निगार, कॉलम निगार तो तवारीख दान जनाब रशीद परवीन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुहुंद सेठा सेठा इस्तकबाल तो खैर मकदम सैनिस यथ प्रोग्रामस मज, अमे खातिर सेठा शुक्र गुजार कि सोपर पे योर वसनस खातिर यूथ सफर तवील योर तम करुन तो सोन स्टूडियो मुजयन करुन, अमे खातिर पूरे टीम तरफ तुहुंद सेठा शुक्र गुजार। आपका भी बसद खलूस हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने रूबरू होने का मौका दिया, और आपके तवसुत से आपके जो कारीन है वो भी उन तक हमारी बात पहुंच जाएगी। अस तुंद तुंदिस तारुफस मज वो कि रशीद परवीन सोब मुसनफ नावल निगार अफसाना निगार, मगर उस तिंद नुमाया काम कश्मीर तेरी मेरी कहानी है अख तवारीखी किताब सती सर से लेकर आज ताम अख मुकमल तवारीखी रिकॉर्ड कि तथ पे करो मजीद तफसील सान कत, मगर चूंकि तुम पान अख तवारीख दान तो अत शुगुफ अत कुन तो शुगुफ अत कुन तो इनक्लिनेशन गो जानू अगर तुंद तारीख तुंद यानी जती तारीख रशीद सोबन तारीख अवराक फिरो
तो क्या क्या यहाँ लबन कत कर जिंदगी शुरू कित कर जिंदगी शुरू तरबियत मामल क्या उस कम उस्ताद रूदम कमो अत रटित ये मकाम पे वातन आमित तो अत सफरस पे चूंकि सान नाजरन सठा इश्तियाक पोस आज आमुत अमिस मुतलिक जानो तफसील सान तानो तो सी नाजरन तान नियाज साहब दरअसल मैं खुशालमुत सोपोर एक तारीखी महला है तारीखी कस्बा सोपोर का सोपोर के बारे में आपको पता है कि इसको एप्पल टाउन भी कहते हैं बिल्कुल और उनते वर्मन के वजीर सुया से मंसूब समझा जाता है शुमाली और जुनूबी साइड दो हिस्सों में ये बटा हुआ है मैं शुमाली तरफ दरियाई जहलिम की शुमाली तरफ एक महला है खुशालमतु वहाँ के एक तीन मंजिला मकान में मेरी पैदाइश हुई है जी खानदान चंगालों का है चंगाल का है खानदान ठीक इनके बारे में मैं खुद क्या बताऊं तारीख बिहकी मुला अहमद ने मुला अहमद तारीख बहकी उसने हमारे बारे में यही लिखा है कि सीस्तान से हजरत सईद याकूब तशरीफ कश्मीर तशरीफ आवर हो रहे थे कश्मीर तो बीच में रास्ते में हजारा सूबा सरहद हजारा पखली में उनके हमरा हजरत सईद मोहम्मद चंगाल हो गए हजरत सईद मोहम्मद चंगाल हजारा से हजारा पखली से हजारा पखली से सीस्तान से जो आए थे हजरत सईद याकूब उनके हमरा 300 सादात थे 300 सादात तो हजरत सईद मोहम्मद चंगाल पखली के बहुत ही नामवर और मारूफ बुजुर्ग कलंदर थे अहले नजर थे जब मुलाकात हो गई तो हजरत सईद मोहम्मद चंगाल ने अपना वो उनके दामन में पनाह ली रूहानी तौर पर और उनके साथ ही कश्मीर का सफर किया। यहाँ आप जानते होंगे कि बांगल इलाका बांगल जो है खोर पटन जिसको बोलते हैं खोर पटन के साथ खोर एक इलाका है उसकी एक ऊंची पहाड़ी पर हजरत सईद याकूब हैं उनके 300 जो सादात थे वो भी वहाँ आराम उनकी आरामगाहें भी वहाँ हैं लेकिन ये जो खास मुरीद हजरत सईद हमारे हजरत सईद मोहम्मद चंगाल उनके साथ आ गए थे उनको उनके कदमों में जगह मिली। अच्छा माशाल्लाह तो वो ऊपर है पहाड़ की चोटी पर और हमारे जो जैद अमजद कहे जाते हैं हजरत सईद मोहम्मद चंगाल ये ककपोरा पटन यानी बिल्कुल पहाड़ी के नीचे है आराम फरमा है 5 रबीउल सानी हर 5 रबीउल सानी को वहाँ इनका उर्स मुबारक होता है जिसमें हमारा सारा खानदान शिरकत करता है दिन भर जिक्र अज़कार होता है खत्मातुल मुअज़्ज़मात की वगैरह महफिल इसका ये मतलब है कि हमारा जो हम बुनियादी तौर पर कश्मीर के है ये इसका दूसरा ये है कि इनके बाद 150-200 साल के बाद उनके जो जितने भी 2-4 लोग यहाँ आए वो कश्मीर में बस गए तो खुईहामा में हमने हमारे जो असलाफ हैं खुईहामा इलाका खुईहामा में उन्होंने खुईहामा में अष्टुंगो है ये बिनलपुर ये गांव है वहाँ सुकूनत उन्होंने सुकूनत पर इख्तियार की जी तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये खानदान बारामूला सोपोर श्रीनगर श्रीनगर में अब 10-12-20 ये घराने हो चुके हैं मुख्तसर ही खानदान है हमारा कुछ तो, माश की तलाश में कुछ इल्म हुनर सीखने की तलाश में या कुछ ऐसे सब लोग मैंने जहाँ तक इस हिस्ट्री का ताल्लुक किया है मतलब मुताला किया है ये सारे लोग फकीर टाइप के लोग अच्छा तरबियत और रहनुमाई की अहले दिल लोग थे सूफी लोग थे इनको ये माश वगैरह ये इनका कोई मसला ही नहीं था जमीने खरीदेंगे जायदाद ये खरीदेंगे ये तो फिर ऐसा ही हुआ जिस तरह अजदाद वहाँ से आए और वही काम सिलसिला इन्होंने भी तो हमारा जो अपना माहौल अब मैं अपनी जो बात आपकी जाती तरबियत कैसे हुई वगैरह हमारे वालिद साहब का नाम था गुलाम रसूल ये दुकानदार थे छोटी सी दुकानदारी थी सोपोर में तो हमारे यहाँ मेरे बचपन के जमाने में अहले दिल और
अहले सुफा और उनके मुर्शिद जिन्हें वो अपने मुर्शिद कहते थे हमारे घर आया जाया करते थे, बासफा लोगों का आना जाना होता था। और मुझे याद है कि एक दो महीने में जरूर एक दो महफिली समा की होती थी हमारे घर में, जिसमें थोड़े से हमसाए थोड़े से अपने जो लोग थे जमा गहान बुस शुरि पे कल में तमोका भरा वगैरह हुए यह तो बोझा उस बे मे क्या तरह फिक्र मगर यह पता कि यह पूरे याद कि मज गव बंद कर पे अकिस लफ्जस पे तशरी वन से यह क्या गो और यह अल्फाज मुझे अभी याद है। मसलन रहीम साहब का कलाम था जुल्मात वन से यह कत गो अच्छा दरियाए मुहित वन सा है चे पता बस फिर ये एक दूसरे के साथ ये बातें सारी रात यूं गुजरती थी। एक तो कुछ चीजें मुझे याद रह गई थी उसमें। दूसरी बात जो थी कि हको वन कि यह तसीस तो बुनियाद तुहद तरबियत शायद तिमन बासफा लूकन मकायत याद पे शेख सदीन तथा मेच गुलाब मुशुक क्योंकि तथ अंद पे ये बासफा गुलाब बिल्कुल बिल्कुल तो ये इसको हमने शायद ये मतलब यम ये खुशबू उस लूकन तो दुम कथ ब्या ग कि वंद पुन असलाफ दुकानों पे अचान सुल शाम खोफ्तन पर्या बत मुडा खेक पे अख जो नफर हमसायगी मज बसा पन कजिन वजिन फादर तो पारा किताब गो किताब पर यह किताब गुल बकावली गुल सनोबर हिमाल यूसुफ जुलेखा यह सब मैंने वहां सुनी है इस बचपन में मैंने सारी ये किताब बिल्कुल बिल्कुल बोजम योतान बहुत फिफ्थस सिक्सथस वोत सारी जबानी याद कुछ किताब कम लिखल हिमाल क्या मे तथ स क्या रूहानी ये रमज क्या होते थे रमूजात क्या थे ये तो अलबत् ओफ चोप अम पे हजूर गए सेवंथस मज आन कत ताम यमो अलिफ लैला किताब अलिफ लैला तो मैं उर्दू अब पढ़ सकता था तो शुरुआत मैंने की कि ये अलिफ लैला पर मैं ये बे क्या ताम हमो किताबों वाले इसमें हमें जाना पड़ा बांडीपुर मेरी बरदर और तीसरी बात ये कि बरदर अकबर मीन मरहूम महदीन गुलशन बड़ मारूफ शायर सूफी शायर यम हिचम शायरी कर सत सोपर शौरा हजरात यम तोन घर यथ मज वासदेव रेह महदीन गवर उसम सारे ये सब आते थे तो बल्कि मे वन तद अस खोस थोमुत वासदेव रेहस खरतलिस चाय चवान सूस आमा तव सूचित हेकान कि बहुत आना तम या कुछ सात बहरहाल ये एक माहौल बिल्कुल तरबियत का मतलब गोड़ एक साइड मसनवी बोजान यूसुफ जुलेखा बोजान अकनंदन पारा दुम साइड महफिल मुशरी तथान चूंकि पुन कलाम बोजन अकिस बुत बहान कुछ सात बाजि हन बरदरस यह अत पे गवान करा बहुत बुत अ बहरहाल सेवंथ में ऐसा हुआ कि इनकलाबी आ जिंदगी मज कि पे खसन कारोबारी सिलसिलस मज बांडीपुर नकली मकान यह गो मूजूब कि दुकान उस ब्रदरस तम रोट दुकान पत् रोट फादरन ब्या दुकान अद जो दुकान तो बहुत इन दिन सेवंथ इस्लामिया मिडल सकूल सोपोर पारा ये घर खोत सोरे मे तो पे सर्टिफिकेट तो वोस बोर तो हकीकत गई ये कि यारन दोस्तन सत वो बिहन वगैरह उस मैं अजनबी सा हो गया मैं तनहा सा हो गया एक्सोयत सी हो गई अब मेरे पास क्या था करने के लिए ज्यादा उस जहनस मज यह कहें पारान उस तूत कह किताब दिजा बख्श दरित और आया तो पुछान तुस मतलब पूछने वाला होता नहीं था तो मे दप हे क्या किया जाए इतफाक यह कि सुकान ब्रोह कड़ मशहूर बुक
نیوز ایجنٹ تس اس ناؤ غلام محمد تس ونان عرف عرف عامس مز بانڈی پورہ کہ نن محمد توضیح مجھے پتہ نہیں اس کی تشریح مگر یہ میس بردر یار سہ باٹر سسٹم نون وون ممکن کلان واسہ کن سات رود مگر ہو بڑا اچھا آدمی تھا اللہ ان کی مغفرت کرے تو یم سات بہ یہ تنہا ہو گوس اخبار اس انا امس نش مگر امس وچ کتاب ہاتھ ڈوڈ ہت اس امس یو اس ام کرائے پہ دیما کتاب رسال وغیرہ تے نہ کیا کتاب اس می اس نے ونجی سمجھ یوں ایک دو بار میں نے یہ لیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ناول تھی چھوٹی چھوٹی ناولٹ یہ اس مشورہ بک ڈپ کڑان بے سٹار پاکٹ سیریز کران لکش لکش ناول میں اس تھائم اس کتاب ہاتھ ڈوڈ ہت یو اس کرائے کشی کر چسکا لگ گیا تفریح کا سامان تفریح ایک بار میں نے ایک پڑھا دو پڑھا اس کے بعد شروعات پڑھتا گیا اس کے بعد کوئی یہ نہیں کیا امی وان پہ گوس بہ یہ حض یہ واقف میں آشنا ہو گیا سب جتنے بھی بر صغیر کے اچھے رائٹرس یا اس وقت ہندوستان کے جتنے اچھے رائٹرس تھے کرشن چندر خواجہ احمد عباس دت بھارتی یہ دوسرے عادل رشید وغیرہ وغیرہ سب میں سب سے واقفیت میں ہو گیا میں نے ان کو پڑھا کرشن گوپال عابد کرشن اس کی بھی ہاں اس کی بھی ٹھاکر پونچھی وغیرہ وغیرہ تو ذہن کشمیری سے اردو کی طرف منتقل ہو گیا اس بہ ہم کران قلم سیت لکھان یم سام نام شعر ہی شہزاد قصہ ہی پریا وریا یہ مکلیا تو میں وچھے بدل دنیا تھی نوک دنیا آ نوک دنیا ناول تھی افسان تھی اور پھر اس کے پاس یہ شمع آتا تھا ادبی یہ عروج تک وقت مز ناول افسان ہند یہ الیٹ کلاس باسان پنس پانس مز کہ بس ان چیزن مز انکلوڈ کبھی سوچتا تھا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی کبھی لکھوں اور پھر میری کتاب ہی آ جائے یا کسی اخبار میں آ جائے یہ اس ڈریم آ کے اس امہ ساتھ سیونت اور آٹھویں جماعت میں مجھے پھر آٹھویں پاس کرتے ہی نویں جماعت میں پھر ہمیں آنا پڑا سوپور واپس کیازی بانڈی پور دودھ اکوٹے اس مز دودھ سون سورے معاملے گھر تہ ہوتی یہ تھی بنومت اس دکان وکان یہ سب شاید 61 یا 62 کی بات ہے سوری بانڈی پور دودھ اس پہ وسن واپس میں کچھ ہائر سیکنڈری سوپور جوائن تو ایسا ہوا کہ سوپور ہائر سیکنڈری اس بالکل گراؤنڈ پتہ ہی ٹاؤن ایریا کمیٹی ات مز لائبریری میں نے پہلی بار جب وہاں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ میں اس نے پتہ کہ میں نے دیکھی ہزاروں کتابیں اتنی بڑی لائبریری مجھے پتہ ہی نہیں بہ اس کھوتمت اس امس سکول پہ ات لائبریری تان پکنس اس میں لگا 5 منٹ اب اس کا جو لائبریرین تھا خوش قسمتی سے وہ ہمارا ایک پہچان والا تعلق دار ہاں بالکل اس کے ساتھ اچھا تعلق تھا اور اچھا تعلق اور بھی بن گیا پتہ اس میں زر ناول اکوٹ دیوان میں نے شروع کی یہاں سے اب یہاں بڑی گریٹ رائٹرس تھی ناولوں کے بغیر بڑے بڑے اچھے اہل وقت کے بڑے گریٹ ہاں اگتھا کرسٹی تھی انگریزی میں جیمز ہیڈلی چیز تھا وہ آر سی لوپن والا تھا یعنی بہت سارے انگریزی ناول بھی انگریز ناول یہ بھی اردو بھی اور تھوڑا سا ہندی کا ہندی ناول ہندی حالانکہ ہندی اس نے پورمت کی لیکن گلشن نندا کے کہیں ہندی ناول میں نے پڑھے آہستہ آہستہ فرسٹ ایئر کی یہ بات ہوئی تو میں نے افسانوں سے اپنا سفر شروع کیا ماشاءاللہ یہ فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں جب آیا تو کئی افسانے ایک نوٹ بک میری بن گئی تھی کہ تات مز 5-10 افسانے میں لکھمت مگر جدت گو نا زہ بہ سوزا لگتا تھا کہ بیٚیہِ اوس نہٕ نیبرِم اوس نہٕ معاملے کانٛہہ ییٚتہِ اوس نہٕ چھاپان تہِ کانٛہہ اب تھٲڈ ایئر میں مختصر بات کہ تھٲڈ ایئر جب میں آ گیا تو آفتابن کوٚر شروع آفتاب نیوز پیپر آفتابن کوٚر شروع افسان چھاپُن اور سب سے پہلا جو افسانہ میرے خیال میں انہوں نے چھاپا وہ مرحوم عمر مجید کا تھا اچھا ماشاءاللہ اب مجھے اس کا ٹائٹل یاد نہیں مگر میں نے جب پڑھا تو میں نے دیکھا کہ افسانہ چھُ ییٚتہِ افسانہ چھاپان بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ یہِ کران مگر ضروٗرت نہیں ہوئی تو ایک بار ایک
करम फरमा टीचर ने जो मुझे उर्दू पढ़ाते थे मेरी वो कापी देख रही थी उसने उनको नजर एक, थी टिक नजर। एक दो अफसानों को टिक किया बोला और बुला के बोला कि ये अखबार को भेज दो कैसे भेज दू मैं ये मैं पानस पे एतमाद एतमाद था ही नहीं बहरहाल लिख दिया तमस कलम सत पे लखन ग साफ पे लखन वगैरह मेहनत पत् रजिस्टर पे डाखाना अत रोपे खंड लगान पत् पे सोजन मगर शुक्र अल्लाह के जब मैंने इसको पहली बार पहला अफसाना आह के असर होने तक क्या आह के असर होने के असर होने इसका टाइटल ये टाइटल बड़ा खूबसूरत है एक उम्र चाहिए तो इसकी तखलीक अमिश तो वन ये अजीब ग कि बहु खबर आमुत योर हॉस्पिटल एस एम एच हॉस्पिटल तो ये तत् पेशेंट अस तो बड़ी खूबसूरत कोई नर्स थी वहाँ जो तीमारदारी कर रही थी तो मेरे जहन में स्ट्राइक हो गया तो अति गुमे प्लाट अति गुमे कहानी अति गुमे ये अरमीन साहब मैं माजरत चाहूंगी यहाँ पे आपको टोक रही हूँ बहुत दिलचस्प बात है बहुत दिलचस्प टाइटल है लेकिन एक वक्फे के लिए हम यहाँ रुकेंगे और आपकी जो ये बात है इसको हम सदा सलामत रखेंगे वापस आते ही फिर इसी बात पे आएंगे नाजरीन एक वक्फा आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के पास तो कई लाइव्स हैं मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और हमारे साथ हमारे खास मेहमान परवीन साहब है इनकी तारीफ में क्या ही कहे राइटर है हिस्टोरियन है और उनकी दिलचस्प बातें सुन के लग रहा है कि बहुत कुछ है इनके पास और इनकी बात मुकम्मल करने का इनको फिर दोबारा मौका दे रहे हैं ऐसा था कि ये आह को चाहिए असर होने आह को चाहिए एक उम्र चाहिए आह को असर होने गालिब का एक शेर है तो कौन जीता है तेरे ज़ुल्फ़ के सहारे होने तक लिखा तहरीर किया तो कॉन्फिडेंस तो नहीं था मगर बहरहाल मैंने इसे आफ्ताब में दे दिया दो चार दो तीन दिन के बाद घर जाते हुए जो मेरे दुकानदार मुझे पहचानते थे कि ये हायर सेकेंडरी दौर ही था कि भाई मुझे बुलाया अच्छा आपका ये नाम है ये देखो अखबार में आपका तो क्या हम ये यहाँ पूछना चाहूँगा उस वक्त आपकी कैफियत तमवीज तुहन खुशी हुंद इजहार सो कैफियत ये आप जब आपका पहला अफसाना आफ्ताब में छपा होगा वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए क्योंकि तुम छो पान अफसान लेखन तो नावल लेखन तो वो कैफियत कैसी अजीब बात है कि ये ये तमो वोन ये मैं अखबार हो तो दो तीन बार तो मैं इस अखबार को देखता ही रह गया बस वार उछान कि ईशा म्यून नाम ईशा सुचा तो एक ऐसी अजीब सी मिली जुली कैफियत होती है कि क्या मेरा अफसाना भी अखबार में अखबार में और इतनी कम उम्र में स्टूडेंट लाइफ कॉन्फिडेंस हो गया बूस्ट हो गया तो मैं लिखता चला गया फिर मेरे अफसाने आफ्ताब में और दूसरे जो एक दो अखबार यहाँ कभी कभी वीकली देते थे उनमें तो लेकिन जल्द ही मैंने दिल्ली स्विच किया दिल्ली में सिटी सपोर्ट्स मैगजीन निकलता था बड़ा अच्छा मैगजीन था और भी जितने अच्छे जरिए थे तो फिर यह सिलसिला चलता रहा कौमी अखबार कौमी रिसाले ये सब फिर बड़े बड़े अखबार में फिर बड़े बड़े ये जो जराए थे उनमें भी मैं आता गया इलेक्टिव के बाद हायर सेकेंडरी इलेक्टिव के बाद कॉलेज फर्स्ट मतलब कॉलेज का ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद थर्ड ईयर बीए होता है थर्ड ईयर जब मैंने एग्जाम दे दिया था तो रिजल्ट अभी नहीं आया था लेकिन इसी थर्ड ईयर देते देते मैंने अपना पहला नावल भी कंप्लीट किया ये नहीं ये दूसरा पहला नावल दिल और दिया पहला जो इसकी पिछले इस वर्क पे लिखा हुआ है ना दिल और दिया ये इन्होंने फिर मेंशन किया था पहले मैं इनके पास गया था दिल और दिया लेकर इन्होंने नहीं छापा अच्छा क्योंकि इन्होंने देखा कोई बच्चा आया है लड़का आया है कहीं से ये खलंडर है तो ये क्या लिखेगा कैसा तो फिर
कुछ बहुत मुश्किल से नाज पब्लिशिंग हाउस ने उसको, एक बड़ी लंबी कहानी है कैसे किया क्या किया, लेकिन उन्होंने किया तो बहुत हिट हो गया वो मार्केट में। दिल और दिया 18 लाइब्रेरीज अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से 18 लाइब्रेरीज को वो मुंतखब हो गया, यानी उन्होंने अपनी 18 लाइब्रेरीज के लिए उसको ले लिया नावल को दिल और दिया। फिर ये जो नावलेट है प्यासी पायल चूंकि मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट के बाद ही मैं मुदरिस हो गया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया था, जो मैंने वहाँ तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में देखा था वो इसमें दे दिया प्यासी पायल में सारा नावल ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। प्लॉट वही है, कैरेक्टर सितमी आई, कैरेक्टर भी जिंदा है, कैरेक्टर वही है, प्लॉट वही है, इसमें कोई फिक्टिशियस मैंने लिखा ही नहीं था। सारा लगभग सारी किताब ये जिंदगी के ये अवहाल पर है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये फुलाप ही हो गई पहले की नस्बत। दिल और दिया से ज्यादा ये दिल और दिया बहुत अच्छी। उसके 2-3 एडिशन निकले। जिमनी में एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारे सामने किताब है कश्मीर तेरी मेरी कहानी, ये है प्यासी पायल, दिल और दिया, आहू को चाहिए एक उम्र असर होने तक, अफसानों का मजमू, वट एवर मैं बोल रहा हूँ टाइटल्स के, मैं मेरे सोपोर तुझ पर दिल कुर्बान, ये टाइटल्स बड़े कैची है ना, थाफ करान की बुपर है कश्मीर तेरी मेरी कहानी, तो ये टाइटल्स का इंतखाब क्या, कौन लोग थे ऐसे जिनसे आप इतने मुतासर हुए कि अत जबान मन चुके यूथ ये रोल के जो अहल इल्म है वक्त के वो आपको इस बारे में, चूंकि मैं इसका इंकशाफ बड़े आलिमों ने किया इस किताब के, जरा से कुछ मैं पढ़ना चाहूंगा कि इससे इतफाक ये लिखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शमसुज्जमान साहब जामिया नगर नई दिल्ली से, कि इससे इतफाक ही समझा जा सकता है कि मेरी निगाहों में एक मजमून तारीख कश्मीर का एक औराक के उनवान से गुजरा जो मुसन्निफ हैदराबाद में आया था। ये बहुत लंबी सी है, मैं यूं कहना चाहूंगा कि बड़ी तारीफ तहसीन लिखी है। इसके अलावा भी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब, जियाउल मुसव्विर साहब, वजी अहमद इंद्राबी साहब, बड़े बड़े अहल इल्म आपको उर्दू लिखने पर, चूंकि तू कशिर तो कोशिर पा तो उर्दू लिखूं ठीक, इस तरफ आपने तो दुतु तो ऐसी कि कैसे रागिब हुआ, लेकिन असल में कौन लोग थे वो जिनको पढ़कर आप पर इतना असर हुआ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी उर्दू में तसनीफें लिखते हैं, होता है ना कोई जिससे कि मतलब दिल पकड़ जाए, ऐसे लोग रहते हैं। बर साहब मैं आपको बता दूं कि 2-4 मुसन्निफ ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किया है। एक सबसे वो पहला नंबर में दूंगा कृष्ण गोपाल आबिद, बड़े नावलिस्ट थे, उनकी जो तर्ज तहरीर थी और इनका जो उर्दू लिखने का अंदाज, हालांकि उर्दू में लिखते थे लेकिन एक हसीन इम्तिजाज होता था उनकी उस उर्दू में, फारसी हिंदी और उर्दू, अच्छा एक हसीन इम्तिजाज, जबरदस्त चीज़, इतनी खूबसूरत लिखते थे वो, इतना खूबसूरत वो बनता था उनका जुमला, उनका पैराग्राफ, उनका कि एक फिल्म चलती थी जहन में। लेकिन कभी ये भोजन महसूस ही नहीं होता था कि ये 3 जबानी इसने मिक्स कर दी, या ऐसा भी नहीं लगता था कि ये लफ्ज अजनबी है वहां, अजनबी तो लगते ही नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको अपना दिल खोल कर बता दूं कि मुझे मुतासर किया है तर्जी तहरीर जो इब्न सफी को, जो मैंने पढ़ा को, ठीक, इसके बाद ठाकर पूंछी भी बहुत अच्छा लिखता था, तो उनके तर्ज तहरीर में भी मैंने कोशिश की लिखने की। तो बाकी जितने भी राइटर हैं तो उनको मैंने बड़े सगीर के जितने भी थे, हाँ सबको जो था पिकअप किया थोड़ा थोड़ा, तो मैंने ये किया। तो परवीन साहब, क्योंकि नियाज भाई ने इस किताब का जिक्र किया, तेरी मेरी कहानी है कश्मीर तेरी मेरी कहानी है, और ये एक जो है कहानी है कश्मीर के रिलेटेड, लेकिन ऐसा क्या खास है इस कहानी में, आपने क्या खास करने की कोशिश की है जो ये कश्मीर की कहानी आप बयान कर रहे हैं, किस तरीके से आपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं और जोड़ने की कोशिश की है, या अत मज क्या इनफरदियत तथ किताब मज कि बाकी तारीखी किताब ये तकरीबन 700-800 पेज की किताब है, जखीम किताब है, तो है क्या इस किताब में या अम किताब हम सफर थी क्या, ये शुरू कैसे हुई, कब शुरू हुई और इसकी स्पेशलिटी थी क्या चाहते हैं? इसकी शुरुआत भी इतफाक ही था कि
एक जमाना था जब मैंने ये दूसरा नावल लिखा था, वो करता है गुड़ी यह एक्सप्लेन कि दिल और दिया के बाद ये प्यासी पायल आ गई, उसके बाद ये 1976 की किताब है, यानी जब मैं अभी बीए भी नहीं हुआ था, मगर 78 में अरसत तस्सीम मेरे साथ एक अजीब अनहोनी हो गई। अच्छा। जब मैं ड्रामा वामा लिखा तुम साथ शुरू लिखा, मगर अनहोनी हो गई। अब क्या होगी ये, इसकी आप तवज्जो न आप कर सकते हैं न मैं कर सकता हूँ कि मेरे कलम पर पाबंदी हो गई। अच्छा, कलम तुलने में पाते कि गो ये यूं तुम जिक्र ऐसे करान कि तो है लिख हुई प्यासी पहल या ग्रेजुएशन किस वक्त इसमें सानी जवानी शबाब इसमें जो लिखा पात गो वायरियस कालस करो तो लिखने से पेट पाबंदी टोटल टोटल मतलब कलम कलम उठाया नहीं, कलम उठाया नहीं। सैकड़ों अफसाने मेरे जहन में चश्मों की तरह उबलते थे, मन करता था कि लिखूं नावल की प्लाट कहानियां वगैरह, लेकिन हर एक चीज को जैसे उस रेगिस्तान आब त्रा ये उस त्रा पथ कुन और चलता रहा आंखें मूंदी कोई नहीं। उसकी कोई खास वजह जो हमसे आप शेयर अगर करना चाहेंगे तो वो आपकी? किसी ने कहा कि नहीं लिखना है नहीं लिखना है। अच्छा, उसके बाद 2005 मिलिटेंसी का पीरियड भी हो गया, इसी से लेकर ये 2005 तक आपने तक नहीं कुछ लिखा। नहीं लिखा 2000 यानी 25 या 26 बरस यही दौर उस दौर यथ मज बसा अदबी दुनिया मज चमकोमत अदबी दुनिया सितार आसाब यह इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब 25 बरस किसी के खाली हूँ तोताम अक जनरेशन मकला तोताम इन पता है कि रशीद परवीन लिख नावल सो जनरेशन ती गई ऊर और नई जनरेशन को पता नहीं था कि कोई और भी लिखने वाला यहाँ था सोपोर में। वो तो गए टीवी पर गए रेडियो पर गए वो उन्होंने किया, अब उनके साथ कोई रबता भी मैंने नहीं रखा, खत्म हो गया सारा कुछ 2005 मज ग लेट 2005 मज बे इतफाका कि यम साहिब या यु साहिबा आम उस के नहीं लिखना है सो आ दबन है ये गई कलम लिख। अच्छा, अब कमाल की बात है कि वो कत नावल जमान मे हिसाब रूदमुत वो कत रूदमुत अफसान जमान कहीं बहुत हद तक मेरा जो जहन है क्लियर में आपको बता दूं कि मेरे जहन के मुताबिक नहीं रहा है, नहीं रहा उर्दू से खत्म गोमत उर्दू से ये आखिरी सांसें ले रहा है ऑनेस्टली इमो जश्नो वश्नो सहित गए यह जिंदगी कें बहरहाल अत 2005 मज और मैंने सोचा मैं सूच बट साहब कि है जब अफसानों को कोई पूछेगा नहीं नावल क्या है लिखना है अब नावल अश वह वरी पंच वरी खाक और दरिया के समंदरों को हम आग के समंदरों को हम पार करके आए खाक और खून में हम लतर रहे हैं क्या नहीं देखा अफसान क्या करन है ये जिंदगी हकीकत अफसानों खत ज्यादा हैबतनाक अलमनाक खतरनाक अनसर्टनिटी क्या अफसाने लिखेंगे क्या नावल लिखेंगे नहीं नहीं अगर मुझे कुछ लिखना है तो कोई और रास्ता तलाश करना होगा। मैं आव ये आइडिया कि बिल कालम क्योंकि कालम एक ऐसी चीज है कि यह अखबार मजान वक्त किस मुताबिक वक्त किस पॉलिटिक्स मुताबिक या हालात मुताबिक या ये मे वाकत रोजमर्रा ग बह कर उजागर रिएक्शन रिएक्शन मिले चीजा गीजन तो मैंने कालम लिखना शुरू किया। अगर मे कलम खास महर था कें मगर मेरा पहला कालम यहाँ इतलात में छप गया अपने वजी अहमद इंदिरा भी सत इन्होंने कंटेक्ट किया अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे मुलाकात वारिया फिर यमो दी नेक मशवर कालम कित पोट लिखा उसके बाद जल्दी उजमा में आ गया शीन मीम अहमद तथा एडिटर तमो तुर मे कंटेक्ट और अपने नेक और अच्छे मशवरों से मुझे नवाजा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं कलम निगार बन गया और फिर आप बिरूनी रियासत और फटाफट बहुत ही जल्दी मैं दिल्ली हैदराबाद मुंशी कलकत्ता और जितने भी बड़े बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े उर्दू अखबार में इनमें मेरे ये कालम छपने लगे और इनकी पजीराई भी होती रही। बल्कि ये कहा जाता है कि रशीद परवीन वो कालम निगार है जिसका मतलब तर्ज तहरीर बहुत उम्दा
माजरत के साथ कतक कलामी के लिए माफी चाहूंगा कि जिम्मेदारी से आसान ये ये मैं जरूरी नीन चाहन अख मुख्तसर वक्फ तुंदी इजाजत नमो पजाजत तो अस मुख्तसर अख वक्फ नाजरीन वशान रुजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट क्या है लाया हो ना? एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो क्या सर? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पति जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलीडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। मॉर्निंग जैन के और हमारे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आज है और हमसे बातचीत कर रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में। हमारे साथ रशीद परवीन साहब है जो एक राइटर है, हिस्टोरियन है और अभी हमारे साथ शेयर कर रहे थे अपनी जो जर्नी है कॉलमनिस्ट बनने की। तो आप कॉलम निगार बन गए, उसके बाद मुकम्मल कीजिए आगे फिर इस किताब तक का सफर कैसे तय किया? कॉलम निगार की हैसियत से अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अल्लाह ने नवाजा क्योंकि अखबारात में कश्मीर के किसी राइटर की पहुंच भी नहीं है तो वहाँ मेरी बहुत बड़ी पहुंच है, वहाँ मेरे कॉलम छपते रहते हैं। ये तो अब जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक है जो आपने क्वेश्चन किया था, सवाल किया था कि ये पहले इस व्हाट्सएप की सवाल का जवाब मैं दूं कि यथ मज क्या इनफेरियत यथ मज क्या खास चीज बाकी हिस्ट्रियन मजन व्हाट्सएप तुम पता कि करीब तुह पता ये तु हिस्ट्री पारा चाहे हसन खुयाम लिख चाहे दद मेरियन लिख या बेकी जितनी भी कहानियां ये तारीखें हैं ये सीधी सी बादशाहों की कहानी नहीं लिखी, तरंगे हैं या कलहन की ये हुआ ये हुआ ये गो ये पे गो ये पत गो ये अति ब्याह बादशाह अति तो कुछ थोड़े थोड़े हालात है ये उससे मुनफरद चीज है। ठीक एक ये कि तमाम जो तारीखें हमें अवेलेबल है मयसर रही जो मार्केट में है कश्मीर की उनके इत्र मैंने निचोड़ी है इस छोटी सी किताब में। उस लिहाज से ये बहुत छोटी किताब है, हाँ, तारीख के लिहाज से तो छोटी बहुत छोटी है, कि आप देखिए कलहन पंडित की सात तरंगे ये जो है तारीख हसन की तीन बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जखीम तीन है लेकिन मैंने उनको यकजा किया सारी तारीखों को इकट्ठा करके मैंने इसमें मुख्तसर करके ये दिया है। दूसरी बात ये अमे आय ती दिलचस्प कि यह तमि तारीखी आय में लिखमस कहीं आर्टिकल्स में आई है इसलिए इसका अंदाज तजिया भी है, इसमें तबसरा भी है, इसमें तहकीक भी है, तीनों चीजें हैं। ये किसी तारीख में आपको नहीं मिलेंगी। जो मैंने सोचा किसी वाक्य के बारे में मैंने उसका तजिया किया, मैंने उस पर तबसरा किया, मैंने ये देखा कि किस मौलिक ने क्या लिखा है उसके बारे में उसको इसमें। कुछ एक दौर ऐसा भी गुजरा होगा परवीन साहब की जो बड़ा नाजुक था हमारे लिए और नागुजीर भी हुआ और उस पर आपके लिए बड़ी मुश्किलें हुई होंगी क्योंकि दोहरी धार वाली तलवार होगी न इधर जाए न इधर जाए एक बैलेंस तवाजुन थोन तो पत लिखनी तवजी। आप बहुत सही फरमा रहे हैं और आपने क्वेश्चन भी बहुत ही नाजुक क्वेश्चन भी किया है, अच्छा भी है, लेकिन मैं आपको जवाब दूं कि बिल्कुल सही कथ कि दो दहरी तलवार है लेकिन अगर आप कोई कुछ देना चाहते हैं लेकिन अगर आप कोई तारीख मुरतब करना चाहते हैं अपनी नई नस्ल के लिए अपने आने वाली नस्ल के लिए तो आपको डार्क में किसी चीज को डार्क में रखना नहीं है। बहसत हिस्टोरियन आपका फर्ज है कि आप क्लियर पिक्चर दे दें, चीजों को सामने रखें, चीजों को सामने रखें और सब चीजों को मिलाकर रखे, मतलब 5, 10, 15 आदमी ने क्या लिखा है उनका निचोड़ अपने जहन में आके पूरी तहकीक के साथ हकायक अपने सामने किताब में आप दीजिए, चाहे वो अपने लिए फिर मनफी भी हो मुस्बत ना भी हो, मतलब क्या, अपनी क्या, क्या करना है क्योंकि खुद हिस्टोरियन किससे कहेंगे? यहाँ में एक सवाल आपसे जरूरी प्लीज
फिर तो वही हो गए जैसे अभी आपने तज़किरा किया था कि तुझकी जहांगीरी का तज़किरा हुआ था, आईने अकबर का, आतिश चिनार का, ये लोगों ने, दरबारी लोगों ने लिखी है, मतलब तुझकी जहांगीरी, जहांगीर ने खुद नहीं लिखी है, उसके दरबारी ने लिखी है, उसमें उसमें हाइनस के लिए जो कुछ भी अच्छा अच्छे से अच्छा होगा उसने लिखा होगा, जो डार्क साइड होगा वो पेश ही नहीं किया होगा। तो ये हम किसी दरबार के साथ मुंसलिक थे ही नहीं थे, इसलिए जो भी है हकायक है ये किस किताब में। ये गई में ज़ सवाल इकवट जमा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम रहता है, इसलिए मैं वो दोनों इकट्ठे पूछना चाहूँगा। मैं शिबासा कि अरीबा के जहन में भी कुछ होगा वो पूछना चाहेंगी। एक ये कि जब हिस्टोरियंस पहले हुआ करते थे वो किसी दरबार में, तो उन दरबारों के जेर असर रहते थे तो लिखा करते थे। एक ये कि इस जब आपने ये लिखी तो आपके पास सोर्स क्या रहा जो मोर वैलिड सोर्स था। दूसरी बात ये कि हिस्ट्री पढ़ने सूत, तारीख पढ़ने सूत, इंसान या अगर इस आज पढ़ो इंसान एज ए सिटीजन ऑफ कुन त स्टेट कुन त मुल्क कुन त खते अर्जुक कम चीज इंसान हेचान ताकि सह हे पगह पन्नी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और बिल्कुल मुदलल और बावजन सवाल है। मेरा अपना ईमान है, यकीन ही नहीं ईमान, ईमान है इस बात पे, क्या बात कि जब तक हमारी नस्ल, हमारी नई नस्ल अपने माजी से अपने आप को नहीं जोड़ती, अच्छा वो तब्दील नहीं होगी, कोई हालात तब्दील नहीं होगी। ठीक, जब आप, आपकी नस्ल, आने वाली नस्ल, उसको जब आपका माजी पता हो, अपना माजी पता होगा कि मैं किस गर्दों का हूँ, टूटा हुआ था, तारा है, ओरिजिन पता हो, बिल्कुल, जब उसको पता नहीं तो वो मिट्टी में ही रोल करेगा, ऊपर उड़ान उसकी क्या होगी, कहाँ से उड़ान आएगी। तारीख पढ़ने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको पता चलता है कि आप क्या रहे हैं माजी में, आपके असलाफ ने कहाँ गलतियाँ की, ये बहुत बड़ी बात, कहाँ गलतियाँ की है और हमें उन गलतियों को कहाँ रेक्टिफाई करना, कैसे मॉडिफाई करना। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सबसे ज्यादा जिस चीज को पस पुश्त डाला गया है वो तारीख है। लेकिन मेरा भी ये दावा है, यकीन है और ईमान है, जब तक हम फिर से तारीख के साथ नहीं। यहाँ एक और सवाल है जो आपने बहुत जबरदस्त कथ वनु तो कि अच्छा जरूरी कि पन पोत काल जानून तथ मज क्या गलती गमत तथ मज कम चीज चुमत, मगर कुछ एक सालों से एक ऐसी ट्रेंड है कि इंसान पन्नस तारीखस, हर कह कौम पन्नस तारीखस में ग्लोरीफाई करा, इत हावान कि जन सी कौमन कहीं गलती कर्म तो बेस कौम सद बेहतर ऐसमित बेस कौम सद प्रन ऐसमित, मतलब ये एक कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से अक्सर ट्रेंड गम वज पानवन जुड़े नहीं कि अलबत्त दूरियर गई, तो इस चीज को कैसे लिया जाए। साहब ये एक बहुत ही खतरनाक और मही बात है और इसके जो नतज होंगे बहुत बुरे नतज। एक बात कुछ ग्लोरीफाई यूत कर अपनी गलतियों को दुरुस्त कहाँ करोगे, मुझे पता ये से पत मे कत गलती ये से पत मून ये लीडर इस हथ वरी ब्रोस अम कत कर गलती लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई है, क्या बात अमिश पत लगा कि है यो लम्ह कत गई ये सजा गो और खता जब उसे हो गई है अब वो पास ये गई बिल्कुल ये तो नस्ल की जो आने वाली नस्ल है जो आने वाली उनकी भी यही बात होगी, उनकी भी यही वो कभी दुरुस्त नहीं करेंगे अपने आप, कभी सही ट्रैक पर नहीं आएगी जब तक वो पीछे नहीं जाए। परवीन साहब ये किताब रह गई, ये किताब के बारे में आपने नहीं बताया, मेरे सोपोर तुझ पे दिल कुर्बान, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल रीबा मैं जब आर्टिकल्स लिखा कर रहा था उज़्मा में तो मेरे एक दोस्त हैं ये अखबार वाले जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि कुछ सोपोर पर 5-8-10 आर्टिकल हमें लिखे, 5-10 आर्टिकल लिखते लिखते तो 112 आर्टिकल हो गए, एक किताबी सूरत बन गई। लेकिन ये उसी एक अखबार में आई थी और इसका कोई आर्टिकल किसी दूसरे और मेरे नाम से भी नहीं आया था, अच्छा ये आ जाता था इब्न रसूल सो, इब्न रसूल। जब मैंने इसको किताबी शक्ल दे दी क्या ये छुन पसंद आपने गालिबन वालिद साहब का नाम गुलाम रसूल को बताया तो इब्न रसूल के नाम रसूल सो मेरा पसंद इसने करा तिमन दोहन अखबार वे कि अगर बे लखान उज़्मा तो बहुत
इसलिए थो मे यह सिलसिल अकिस अखबार जारी तो बाकी अखबार यह सिलसिला बन गया और ये इतफाक से किताब। मेरा एक और बहुत अहम सवाल मेरे दिमाग में बहुत ही, लेकिन नियाज भाई के सवाल भी ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि आपने कुछ मिनट पहले जिक्र किया कि उर्दू का जो ये हमारा आर्ट है, राइटिंग है, कहीं ना कहीं छूट रहा है। ओवरऑल आर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप मतलब इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ हमें दिया है, अभी के अगर सिचुएशन की बात करें, ओवरऑल बात करें, कश्मीर की बात है, फिक्शन राइटिंग में हम कहाँ हैं, आगे आपको फ्यूचर विजन आपका क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, क्या रिवाइव कर सकते हैं हम अपने उर्दू आर्ट को, राइटिंग्स को, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं? तरीबा एक ही बात है, एक ही रास्ता है। जब किसी भी जबान को, मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा, फारसी, उर्दू, हिंदी, दुनिया की कहाँ जबान ऐसी, ये कतल गई रिवाइव, ये कैसे जिंदा रहेगी? मेरा यकीन है कि जब तक आप इसको टेक्स्ट में नहीं डालोगे, मतलब नहीं, दो तीन चीजें उर्दू जैसे उर्दू की किताब होती है, ये भी हो और इसमें हो, जब तक ये टेक्स्ट में नहीं आ जाती ये जुबान जिंदा नहीं रहेगी। अब आप ये बताइए कि उर्दू की क्या बात है, 72 खबर टाइम छा बोन अकी कत यह जब मैंने पहला नावल लिखा था दिल और दिया, और जब मैं इसको छपवाने गया था, कत कर इतने पे उस बिहित अमरनाथ, बस उस ना उमर अमरनाथ स्टार पावर बुक्स का मालिक, और मैं यहाँ बैठा था, तेम दिस में स्लिप दुपन है, ये स्लिप दिए बस करना ये चीन नावल डब हिंदी में। अच्छा। मैं इसको छाप दूंगा हिंदी में, छाप ट्रांसलेशन क्या उसका करूँ, डब तीर रोज, मगर सिर्फ रोज स्क्रिप्ट हिंदी, वो उस लकुट बेकल लकुट बेकल कॉलेज में उस बी ए करने पद दरा मैं रिजल्ट बी ए, मतलब ये जिसके लिए मैंने किताब लिखी है वो कहाँ हिंदी पढ़ेगी या कहाँ हिंदी पढ़ेगा? मैं सोच उर्दू भी ठीक, मगर अह क्वेश्चन कोर मे तस तह लगे वह सवाल जवाब, मे दस मेरे भाई आप मुझे बताओ, आप गुलशन नंदा का उर्दू में छापते हो, आदिल रशीद का उर्दू में छापते हो, ख्वाजा अहमद अब्बास का उर्दू में, वो बड़े बड़े सही हैं, मैं भी एक छोटा सा हूँ, मेरा भी उर्दू में छापो। मेरे बेटे मेरी बात सुनो, ठीक, उसने बोला था, मेरे बेटे मेरी बात सुनो, जब मैं गुलशन नंदा का कोई नावल उर्दू में छापता हूँ तो सिर्फ 5 या 6 हजार बिकता है, ये 72 की बात है, 1972 की बात है, और जब हम उसका हिंदी में नावल छापते हैं तो 10 लाख बिकता है। फर्क कीजिए, बहुत फर्क, 5 हजार और 10 लाख, ये वो इनते में मुख्तसर का आपका कौन पढ़ेगा उर्दू में? हिंदी में 2-4 हजार में इसको निकाल सकता हूँ, मगर बहरहाल इमेज और ब्रेन मैंने नहीं माना, मे दिस बिकस ये उस कुनवुह शेथ दुसत मज कत उर्दूस मुतल, आज छु 2024, ठीक, मेरे बच्चे, मेरे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उर्दू लिख भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं, ये मीनस गार हाल यम अमी खेवान प्रोफेसर खेवान, मुझे पता है जब मैं उनसे मिलता हूँ खुदा की कसम, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते उर्दू। अच्छा, हमारे पास चूंकि आपके साथ जो भी बात हो रही है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुदलिल हो रही है कि इंसान तथ पे कर घंट वादन कत, मगर वक्त क्या ख्याल थो एजाजात ये ब्रोह डिस्प्ले करो तो यम एजाजात क्या तो यम कत कॉन्ट्रब्यूशनस कमन जान बह सत कलम नगारे यमो पजीराई कर ये सरनगर मज अगर कप्त सोपोर अक अदार तो इस पे लिखा है अदारे का नाम माशा। एक सवाल मे जहनस मज़ कि तलीम चूंकि तुंद तल्लुक रूदमुत तल्लुकस सीक तलीम सह तुज आखरी मैसेज त सान नाजरन तलीम तलीम सिर्फ जरिए मुआश बनुन या इंसानस खतरे तहजीब नफस ते हेचनाउन क्या रूद वे सिर्फ जरिए मुआश तलीम मन झाड़ान तहजीब नफस कूता इम्पॉर्टेंट यम सोन समाज डेवलप।
غالب شعار پہ میں یاد مختصر تم موضوع ہوں تھی کر سنان بس کی دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا ہم سب آدمی ہیں تعلیم ہند مقصد گھس آسن یہ گھس امس انسان بنا آپ کا کمپلیٹ ہے جب آپ انسان بنو گے تو ہر ایک چیز آپ میں آ گئی تہذیب تہ آئے تمدن تہ آو ثقافت تہ آو ادب تہ آو سوچ تہ آو سمجھ تہ آو ریشنلٹی تہ آئی بالکل بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت اور مختصر جو آپ کا اصل انداز ہے وہ بالکل جھلکتا ہے کہ تھی مختصر ٹائٹلن مزی سہ جواب دیوان اس سٹھا معنی خیز ازکس پروگرامس مز یور ین خاطر پور ٹیم طرف سٹھا سٹھا شکر گزار تہند تو خوش قسمتی اس خاطر کہ از آز ہوسٹ تو اس گو تہ ست آز ہم کلام تو رہنمائی گئی ناظرین اس امید کہ اس کت بات آز کر رشید پروین صوبس ست یہ سٹھا معنی خیز یہ سٹھا دلچسپ تو یہ بی ولرش تھی پا سرن تو جہلم کھ پہ رواں تو دوا تس امید تہ ازیک پروگرام پسند آمت ازکس دیو اس اجازت اللہ حافظ ناصر